दोस्त दोस्त सभी जानते हैं कि वी को वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स खेलना कितना पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कुछ लकी आर्मीज को सरप्राइजिंगली वी के साथ पबजी खेलने का मौका मिला था, लेकिन जब उस गेम की वीडियो पोस्ट करी गई तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि वीडियो में जो आवाज़ आ रही है वो आर्मीज की नहीं बल्कि ब्लैकपिंक की मेंबर जिसो की है, और वो ये बात जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बहुत ही सारी आर्मीज को वी के साथ पबजी गेम खेलने का मौका मिला था। हालांकि वी के साथ गेम खेलते हुए काफी सारी आर्मीज ने वीडियोस को पोस्ट करा था और लोगों ने कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैकपिंक की जिसो ही हैं। काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि जिसो वी के साथ खेल सकती हैं, क्योंकि आप वी के साथ सिर्फ तभी खेल सकते हैं जब आप साउथ कोरिया के ही रेसिडेंट हैं, बिकॉज वो हमेशा काकाओ सर्वर को यूज करते हैं, और अगर आप VPN भी यूज़ करते हैं तो आप उसके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो सर्वर बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कोरियन आर्मीज ही उनके साथ खेल सकती हैं। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ था कि वी ने बोला था कि ठीक है, हम सारे रूल्स कभी कभी एक दिन के लिए ब्रेक कर सकते हैं, जिसके बाद उनके साथ खेली हुई वीडियोज़ को बहुत ही सारे लोगों ने पोस्ट भी कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियोज में आर्मी और वी दोनों की आवाज़ थी और आप दोनों की आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। 안녕하세요. 안녕하세요. 좀 살려주세요. 저 안 죽일게요. तो दोस्तों, आपने सुना ना, ये आवाज बिल्कुल जिसो जैसी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिसो नहीं है, क्योंकि जिस भी आर्मीज ने वीडियो पोस्ट करी थी उन्होंने खुद ही अपना अकाउंट बताया था। लेकिन दोस्तों, काफी सारे लोगों का सवाल था कि आखिर वी के साथ वो लोग खेले कैसे। तो दोस्तों, वी वीवर्स पर ऑनलाइन आके आर्मी से बहुत सारी बातें करते हैं, और ऐसा ही एक बार हुआ था, वो उन्होंने एक सर्वर बनाया था जिसका नाम था ओनली आर्मी, और उसके बाद वो वीवर्स पर ऑनलाइन आए थे और उन्होंने एक कोड रखा था। जो भी आर्मीज उस कोड को गेस कर रही थी वो हिंट दे रहे थे, और जितनी भी पहली आर्मीज थी जिन्होंने उस कोड को गेस कर लिया वो वी के साथ खेल सकती थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब वी आर्मीज के साथ खेल रहे थे तब जिमिन ने एक वी लाइव भी करा था और उन्होंने बोला था कि वो आर्मीज के साथ पबजी खेल रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में हुआ क्या था। तो दोस्तों, वी के साथ वीडियोस में काफ़ी सारी आर्मीज भी थी और इसके साथ वो सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, लेकिन पहली वीडियो जो पोस्ट करी गई थी वहाँ पर बताया गया कि किस तरह वी आर्मीज को बोल रहे थे कि क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मार सकता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही आर्मीज ने उनसे बोला कि प्लीज़ हमें मत मारिए, फिर भी वी ने उन्हें बहुत ही निर्दयी होकर मार दिया था, यानी गेम में मार दिया था, और उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप लग रही थी सुनने में। जिसके बाद उन्होंने बोला था कि ठीक है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट टाइम बहुत ही क्यूट सीन हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हुआ ये था कि जब दूसरी वीडियो पोस्ट करी गई तो उसमें दिखाया गया कि वी के जितने भी सारे उनके जो टूल्स थे, उनकी गन्स थी, वो सारी वो लूज़ कर चुके थे, यानी उनके पास कोई भी हथियार नहीं था किसी को मारने के लिए। और पहली बार में जिस आर्मी को उन्होंने मारा था, अचानक से वही आर्मी उनके सामने आ गई, जिनको देखकर वी बहुत ज़्यादा डर गए। तो दोस्तों, जैसे ही वी ने उस आर्मी को देखा, उन्होंने उसे हेलो बोला, तो वी ने भी उन्हें रिप्लाई में हेलो बोला। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वी को देखते ही आर्मी डांस करने लगी, यानी गेम में जो उनका कैरेक्टर था वो डांस करने लग गया, और ये बहुत ही ज़्यादा फनी था। लेकिन वी बहुत ही डरे हुए थे और उन्होंने आर्मी से बोला कि प्लीज़ मुझे मत मारना, थोड़ा सा और खेलने दो। जिसके बाद आर्मी ने हंसते हुए उनसे बोला कि ठीक है, हम आपको नहीं मारेंगे, और उसके बाद आर्मी जो थी वो उनके बगल से भागते भागते चली गई, लेकिन फिर भी उनको बहुत ही क्यूटली हेलो बोल रही थी, और वी डर के मारे साइड से धीरे धीरे जा रहे थे। तो दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट था जो वी के साथ आर्मीज ने एक्सपीरियंस किया था, बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, क्योंकि देखा गया कि वी ने तो आर्मी को मार दिया बट स्टिल आर्मी ने उनको नहीं मारा, जबकि वो सेम ही आर्मी थी जिनको वी ने पहले मार दिया था, और जब उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि मुझे मत मारो, फिर भी वी ने मार दिया था। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर अचानक से आपको पता चले कि आपके पबजी में या फिर आपके गेम में वी आ गए हैं या BTS के कोई भी मेंबर आ गए हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ जाने से पहले हमारे न्यूज चैनल यानी ग्लोबल केपॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।